एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद दो पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे, उसके बाद जनरल डिब्बे थे दो। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है, तो वहां पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुंच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में नए न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है, वो लोग वहां से और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुंच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुंच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया, एम्बुलेंसेज आ गई और एनडीआरएफ आर्मी की वहां पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। रेलवे के डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंच गए हैं, उनकी सेवा में है। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी 1 घंटे के अंदर। उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स दो जो हैं वो भी चल पड़ी हैं, एक पहुंच गई है, दूसरी पहुंचने वाली है। जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का, जो कि अनअफेक्टेड है, उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने, जो फंसे हुए हैं वहां पर इस घटना की वजह से, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेलविशर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दिए। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन हैं वहां पर तो फिजिकल हेल्प डेस्क खुल गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल है राउंड द क्लॉक, उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पर अब चूंकि रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहां पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मैम इसके साथ में वही एक टोटल कैजुअलिटीज कितनी है, टोटल इंजर्ड्स कितने हैं, कितने सीरियस इंजर्ड्स हैं, अगर वो फिगर मेरे, अगर आप, मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो एट ओके जी। मैम मुआवजा की घोषणा अक्सर इंक्वायरी की बात होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। इंक्वायरी भी करेंगे? इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन, इंक्वायरी उसके बाद। वो बस अभी पहली फ्लाइट, वो एयरपोर्ट की तरफ चलेगा।
मैम कितने लोग इंजर्ड सीरियस हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, सीरियस इंजरी का भी कोई इंडिकेशन नहीं आया है हमें। जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी उनके इन्फॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं और जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है, उनके शब्द यही है। पर वी विल बी नोइंग मोर, अभी हमें पता चल जाएगा, हमारे डॉक्टर्स भी वहां पर हैं, तो सारी इंजरीज असेस करके वो हमको बता देंगे। मैम कवच सिस्टम इंस्टॉल कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है और अभी तक की जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है। जी, और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं। नाउ ऑपोजिशन इज टारगेटिंग यू रेलवे, स्पेशली दे आर सेइंग दैट इन द लास्ट 1 year देयर हैव बीन स्पेट ऑफ रेल एक्सीडेंट्स। हाउ डू यू लुक एट द एक्विजिशन बाय द ऑपोजिशन? I would not like to get into that, but let me assure you ki safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेस ही लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी, एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। मैम गलती क्या है, आप समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया, क्या होगा मतलब इसका? ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है, अभी लग रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी, ही इज ऑल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट, सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो वट एवर वी कैन गैदर फ्रॉम द सिचुएशन दैट विच हैज पास्ड सो फार, इट सीम्स दैट देयर वॉज अ डिसरिगार्ड ऑफ सिग्नल, बट वी विल नो मोर आफ्टर डिटेल। मैं बस, क्योंकि आप लोगों ने जब वॉर रूम भी सेटअप किया हुआ था तो कैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई की, अगर वो थोड़ा जी कार्रवाई हर स्तर पे होती है, सबसे पहले तो फील्ड पे होती है। जी, सबसे पहले तो फील्ड के स्तर पे होती है कि वहां पर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे एक्शन में आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। एट द सेम टाइम जोनल हेडक्वार्टर पे भी होती है और रेलवे बोर्ड के स्तर पे भी होती है। तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जैसे ही हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इस घटना के 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू कम टू आर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विच वी कॉल आर वॉर रूम, एंड वहां पर जो सारे और काम जो करने हैं, जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रेस्क्यू करिए, हर एक जान को बचाइए, तो उस रेस्क्यू में हम लोग लग जाते हैं और हम यहां से भी रेस्क्यू एफर्ट कोऑर्डिनेट करते हैं और हम जो भी वहां पर एजेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जैसे एनडीआरएफ जो है वो सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, तो एनडीआरएफ की टुकड़ी वहां से तुरंत चल पड़ी, आर्मी सिलीगुड़ी में अवेलेबल है वो भी तुरंत वहां के लिए चल पड़ी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आ गया, सारी एम्बुलेंसेज नजदीक के अस्पतालों से आ गई और लोकल लोग तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए। तो वो सारे एफर्ट हम लोग यहां से कोऑर्डिनेट करते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को राहत पहुंचा सके। फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का कैजुअल्टी का खबर मिला है, उनमें से तीन जो है वो रेलवे एम्प्लॉई है, दो उसमें
लोको पायलट और एक गुड्स गार्ड है, लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट. रेस्ट फाइव पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है ये डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं है. जितना जल्द हो सके आज ही आ जाएगी.